सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग जबरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आप अपने एंड्रॉइड टीवी में फ्री फायर कीबोर्ड से एंड माउस से कैसे खेल सकते हो। गाइस, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था आप एंड्रॉइड टीवी में फ्री फायर कीबोर्ड से एंड माउस से कैसे खेल सकते हो। गाइस, उस वीडियो पर आपने बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला प्यार दिखाया था। गाइस, इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आ चुका हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि भाई एक बार फुल डिटेल के साथ में वीडियो बनाओ। और गाइस, फायर का अपडेट भी आ चुका था, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, फुल डिटेल के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ आप कीबोर्ड से एंड माउस से फ्री फायर अपने एंड्रॉइड टीवी में कैसे खेल सकते हो। देखते रहना गाइस वीडियो को लास्ट तक। चलिए दोस्तों, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा। आप एक यूट्यूबर हो और आप कुछ इस तरीके का सब्सक्राइब एनिमेशन बनाना चाहते हो तो गाइस आप बना सकते हो। मैं इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से बताया हुआ है कि आप इस तरीके का सब्सक्राइब एनिमेशन कैसे बना सकते हो। गाइस, वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एंड्रॉइड टीवी को या फिर स्मार्ट टीवी को माउस एंड कीबोर्ड कनेक्ट कर लेना होगा। गाइस, आप देख सकते हो फाइनली कनेक्ट हो चुका है और आप माउस भी देख सकते हो। गाइज, उसके बाद आपको एंड्रॉइड टीवी को वाईफाई कनेक्ट कर लेना होगा। वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आपको सेटिंग का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा एंड्रॉइड टीवी में कहाँ पर है, आप रिमोट पर भी ढूंढ सकते हो। चलिए गाइज, अब मैं सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको नेटवर्क पर क्लिक कर देना है। नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे का ऑप्शन दिखाई देगा वायरलेस कनेक्शन, उस पर आपको क्लिक कर देना है और वाईफाई को अनेबल कर देना है। गाइज, उसके बाद आपको मोबाइल को हॉटस्पॉट ऑन करके आपके एंड्रॉइड टीवी के साथ में कनेक्ट कर लेना होगा। गाइज, आप देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है। गाइज, उसके बाद में आपको फ्री फायर इंस्टॉल कर लेना है। और ये ऑक्टोपस नाम की एप्लीकेशन, एक बंदे की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप अपने एंड्रॉइड टीवी में ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए गाइज, अब मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। गाइज, इसको ओपन करने के बाद आपको प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको फ्री फायर को ऐड कर लेना होगा। चलिए गाइज, मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आप देख सकते हो ऐड हो चुका है। अब आपको बैक आ जाना होगा। गाइज, उसके बाद आपको फ्री फायर ओपन कर लेना होगा। गाइज, आप देख सकते हो फ्री फायर पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको गेस्ट पर क्लिक कर देना है। गाइज, आप फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो। चलिए मैं गेस्ट अकाउंट चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको टैब पर क्लिक कर देना होगा। गाइज, आप देख सकते हो आपको पूरी तरीके से फ्री फायर जैसे इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सब कुछ पूरा ए टू जेड आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखते रहना होगा। आप विदाउट लैग किसी प्रॉब्लम के खेल सकते हो आपके एंड्रॉइड टीवी में फ्री फायर। मैं इसको कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद गाइज, मैं स्क्वाड सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए गाइस, स्क्वाड सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। स्क्वाड सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। गाइज, फ्री फायर स्टार्ट करने के बाद आपको आपके कीबोर्ड का विंडो प्लस एंटर की प्रेस कर देना है। चलिए गाइज, मैं विंडो प्लस एंटर की प्रेस कर देता हूँ और आप होम स्क्रीन पर पहुँच जाओगे। गाइज, होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको फटक से ऑक्टोपस नाम का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। चलिए गाइज, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ।
और गाइज आपको ये फ्री फायर ओपन कर देना होगा, कंटिन्यू यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। गाइज आप देख सकते हो रिकनेक्टिंग हो रहा है। गाइज अपने को फ्री फायर स्टार्ट करने में टाइम लगा इसलिए अपन यहाँ पर पहुंच गए। गाइज आप इस बटन से कंट्रोल कर सकते हो, ए डब्ल्यू डी और यस से कंट्रोल कर सकते हो आप इस तरीके से। और दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ आप कौन से बटन से क्या कंट्रोल कर सकते हो। हेलो भाई, तीन नंबर साथ में रहिए। हां यार, इंजन में ये जरा चलो चलो आप सुनो गाइज आप कीबोर्ड पर बटन दबाने से भी फायर कर सकते हो। मैं आपको लास्ट में सब कुछ बताने वाला हूँ आप किस तरीके से फायर कर सकते हो। और गाइज आप सी दबाने से इस तरीके से नीचे झुक सकते हो। और गाइस आप वन दबाने से गन चेंज कर सकते हो। गाइज आप इन की के मदद से कंट्रोल कर सकते हो फ्री फायर, आपको जैसे कि डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए गाइज अब मैं आपको फायर बटन पर की लगाकर दिखाता हूँ। उसके लिए गाइज आपको ऊपर कोने में क्लिक करना होगा, कोने में क्लिक करने के बाद आपको प्लस पर क्लिक करना होगा, प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको ए पर क्लिक करना होगा और गाइज उसके बाद इसको आपको फायर बटन पर खींच कर लाना होगा। चलिए गाइज मैं इसको लाता हूँ फायर बटन पर खींच कर। और गाइज आपको कीबोर्ड का के दबा देना होगा, आप कौन सा भी बटन पर फायर बटन लगा सकते हो, जैसे कि मैं के दबा देता हूँ और गाइज राइट पर क्लिक कर देना होगा। गाइज अभी आप देख सकते हो के दबाने से इस तरीके से आप फायर कर सकते हो। गाइज अभी आप देख सकते हो बोया हो चुका। गाइज आप इससे भी अच्छा खेल सकते हो आपका एंड्रॉइड टीवी में फ्री फायर कीबोर्ड के मदद से। गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। कोई वीडियो पसंद आए तो ना लाइक कर देना। और गाइज आप कुछ इस तरीके के वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। और गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।